विद्यार्थियों आप सबको नमस्कार। आज की क्लास प्रारंभ करते सर हैं। सभी को नमस्कार। अपना माइक म्यूट में रख दें और वीडियो म्यूट में। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन बनाया था, उसमें कुछ मिस्टेक था। उस क्वेश्चन को हम पहले क्लियर कर लेते हैं। ये था समीकरण हल करो, समीकरण हल करो। क्वेश्चन नंबर 4 था कल जो बनाए थे हम लोग, इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। उसमें प्लस कॉस थीटा लेके हम बना दिए थे। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें, इसमें कुछ करेक्शन है, करेक्शन करने जा रहे हैं हम लोग। क्लियर। चलिए, कल एक क्वेश्चन बनाए थे, देखिए 2 sin² थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसको हल करना है। तो ये 2 sin² को हम लिख देंगे 1 माइनस cos² थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू 1। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 cos² थीटा माइनस cos थीटा, और ये 1 को इस तरफ शिफ्ट कर लिए, -1 इक्वल टू 0। अब ये प्लस 2 और -1 +1 हो जाएगा, और ये -2 cos² थीटा और ये -cos थीटा इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को या तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे या ट्रांसफॉर्मेशन कर दे, पक्षांतर। ये कल वाला क्वेश्चन है, फिर से मैं ध्यान दिला रहा हूं, इसमें मिस्टेक हुआ था प्लस माइनस का, जिसके कारण आंसर में थोड़ा चेंजेस आएगा। यहां तक देख लीजिए, sin² की वैल्यू 1 माइनस cos², बाकी सब वैसे ही लिखा, 1 को शिफ्ट किया, 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया, पक्षांतर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 1, ये 2 cos² थीटा, ये +cos θ और ये -1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 cos² थीटा +cos θ -1 इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड करना है, मध्य पद तोड़ना है, गुणनखंड। तो 2 और 1 का गुणा 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 cos² थीटा +2 cos θ -cos θ -1 इक्वल टू 0। ये देखिए, ध्यान से इसको देखिए आप, प्लस कॉस थीटा था, उसको मैं 2 cos θ माइनस कॉस थीटा लिख दिया। अब यहां से 2 cos θ उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो cos θ +1 बचा। यहां से -1 कॉमन ले लिया, तो cos θ +1 बचा। अब ये उभयनिष्ठ है, cos θ +1, इसको बाहर किए, और ये 2 cos θ -1 इक्वल टू 0। ध्यान से अब सुनेंगे आप, 2 sin² थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्वेश्चन है। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला रख दिए, 1 माइनस cos² 2 का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किए, प्लस 2 में -1 चला गया, पक्षांतर किए, ये समीकरण आ गया। इसका मध्य पद गुणन, मध्य पद तोड़कर गुणनखंड किए, 9th क्लास में आपने गुणनखंड करना सीखा है। अब यहां पर से यदि कॉस थीटा +1 इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, क्योंकि हम ये जितने भी प्रॉब्लम बना रहे हैं 0 to 90 डिग्री के लिए बना रहे हैं, तो cos थीटा का मान 0 से 90 में -1 नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, इस वैल्यू को छोड़ देंगे, कंसिडर नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अब दूसरा, यदि 2 cos θ -1 इक्वल टू 0, तो 2 cos θ इक्वल टू 1 होगा, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहां से आपको मिल जाएगा थीटा बराबर 60। उसमें भी 60 आया था, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कास 90 भी आया था। तो इस प्रश्न को करेक्शन कर ले, मैंने कल प्रश्न बना के आप सबको व्हाट्सएप में भेज भी दिया है, और जीत को धन्यवाद जिन्होंने गलती के लिए ध्यान आकर्षित किया। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स क्लास एक्सप्लेन करते रहता है, प्लस माइनस में कुछ कारण से चूक हो जाती, जो नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लास में यही एक दिक्कत है, ऑफलाइन क्लास में क्या है, आप सामने बैठे होते हैं, उसी समय वो करेक्शन हो जाता है। फिर भी ये गलती इन फ्यूचर नहीं होगी। इस क्वेश्चंस को वीडियो में अभी आपको मिल जाएगा क्लास के एंड के बाद, तो इसको आप करेक्ट कर लेंगे। क्या ये समझ में आ गया? अगर आ गया तो चैट बॉक्स में हाँ लिखें,
सभी लोग चैट बॉक्स में हाँ लिखें, समझ में आ गया तो। बहुत आसान क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस वन इक्वल टू माइनस वन आया। जीरो से नब्बे में cos थीटा का कोई भी मान माइनस नहीं होता, लेकिन 90 से ऊपर में होता है। तो हम 90 से ऊपर की बात नहीं कर रहे हैं, 0 से 90 वाला प्रश्न बना रहे हैं। ठीक है, अब आज की क्लास शुरू करते हैं। ये कल की क्लास का एक मिस्टेक था जिसको हम लोगों ने क्लियर कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने हैं आज हमको, और मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास फिर से हमें नंबर देगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा, एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा एंड वाई इज इक्वल टू बी कॉट थीटा, ये दिया है। यदि ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपके प्रश्नावली एक का, सीजी बोर्ड का। एक्स इक्वल टू ए कोसेक थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉट थीटा, तो प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, ये प्रूव करना है। तो ध्यान से देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है, तो अल्टरनेंडो से एकांतर अनुपात से एक्स को नीचे ला रहा हूं मैं, एक्स अपॉन ए बराबर कोसेक थीटा लिख सकते हैं क्या, बताइए। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग वर्ग, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन वन आ गया। इसी प्रकार यहां वाई अपॉन बी इक्वल टू कॉट थीटा, वर्ग कर दीजिए यहां पर बी स्क्वायर, वर्ग करने पर स्क्वायर करने पर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन टू आ गया। अब जरा देखिए इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, तो क्या लिखूंगा, समीकरण दो को एक से घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन वन इक्वेशन टू फ्रॉम वन, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये क्या कर रहा हूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इक्वल टू इसका लेफ्ट हैंड कोसेक स्क्वायर और इसका लेफ्ट हैंड क्या है, इसका लेफ्ट हैंड क्या है बताइए, सबको समझ में आ रहा है, निश्चित रूप से आ रहा है, इसका लेफ्ट हैंड कॉट स्क्वायर। अब आप सबको इसका फार्मूला बिल्कुल दौड़ते हुए आना चाहिए, कौन बताएगा चैट बॉक्स में लिखिए, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर क्या होगा, कोई भी मैंने यहां लिखा है समीकरण दो को एक से घटाने पर, तो एक पहले आएगा, एक से समीकरण दो को लिखा हूं मैं, समीकरण दो को ये दो है एक से घटा रहे हैं, दिस माइनस दिस होगा, सही लिखे हैं हम, गलत नहीं लिखे हैं, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर सब ने जवाब दिया है, वेरी गुड। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन, यही प्रूफ करना है। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीबीएसई में भी आ सकता है, सीजी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड किसी भी बोर्ड में आ सकता है। समझ में आ रहा है सभी को, चैट बॉक्स में लिखें जवाब दें, सभी को समझ में आ रहा होगा मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। आ रहा है समझ में, अच्छे से देखिए क्वेश्चन समझ में आएगा आप सबको। करो तो चलिए
एक्स इक्वल टू पढ़ ए बता। कॉट है, वाई इक्वल टू बी कॉट है। अल्टरनेंडो से हमने ए को नीचे लाया, बी को नीचे लाया, फिर इसका वर्ग किए, स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू इतना, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू इतना। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, समीकरण एक से दो को घटाने पर या समीकरण दो को एक से घटाने पर, इसका मीनिंग वही है। समीकरण एक से दो को घटाने पर बोल सकते हो या समीकरण दो को एक से घटाने पर बोल सकते हो, मीनिंग दोनों का वही है। क्लियर? बहुत कम स्टूडेंट क्लास में, केवल 10, केवल 10, क्या बहाना है भगवान जाने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस क्लियर है, मिटा दें, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा हमें अच्छे से। यदि एक्स इक्वल टू, यदि एक्स इक्वल टू दिया है आपको आर साइन ए कॉस ए, आर साइन ए इंटू कॉस ए, और वाई इक्वल टू दिया है आर साइन ए इंटू साइन सी, एंड जेड इक्वल टू दिया है आपको आर कॉस ए, गिवन है तो प्रूव दैट, प्रूव करना है आपको आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो देख रहे हैं सब में स्क्वायर है, तो अपन लिखते हैं, ये मान लीजिए समीकरण एक है, समीकरण दो है, समीकरण तीन है, वर्ग करने पर स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू बोलो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर, ये क्या होगा वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इक्वेशन वन इक्वेशन टू इक्वेशन थ्री, एडिंग एडिंग वन टू थ्री, तीनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ेंगे तो बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर, आर स्क्वायर सब में है, आर स्क्वायर कॉमन ले ली, आर स्क्वायर को कॉमन ले ली, यहां क्या बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर। आराम से देखिए, लेफ्ट हैंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को ऐड कर दिया, राइट हैंड में आर स्क्वायर को कॉमन लिया, दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहां देखिए, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ रखते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन दे देगा, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम लोग इसको, एक ब्रैकेट में रख दिए। अब यहां से देखो, नहीं अभी नहीं देगा, अभी गलत है, अभी कॉमन नहीं होगा, यहां पर एक करेक्शन करेंगे हम, यहां साइन स्क्वायर कॉमन लो, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, क्वेश्चन हमने सही लिखा है कि नहीं देख लेते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, कॉस सी है यहाँ पे, दिस इज कॉस सी, क्वेश्चन में गलती से हमने ए लिख दिया था, कॉस सी है तो ये कॉस सी हो जाएगा, आर साइन इंटू कॉस सी था तो ये कॉस सी हो जाएगा यहां पे, कुछ नहीं किए हैं हमने, ए लिख दिया था उसको कॉस सी किया है, तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी हो गया, जोड़े भी तो कॉस स्क्वायर, अब यहां से साइन स्क्वायर एक कॉमन ले लो तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर एक कॉमन हो गया साइन स्क्वायर सी और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए कॉमन लिया,
तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। फिर से साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए वन हो जाएगा, तो रिजल्ट आपका आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। आराम से देखिए, हमने कॉस सी को कॉस ए लिख दिया था गलती से, उसको हमने कॉस सी कर लिया, ये कॉस सी है, इसका समीकरण तीनों का स्क्वायर किया तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ए, एड कर दिया तीनों इक्वेशन को, आर स्क्वायर सबका कॉमन ले लिया, फिर इसमें हमने साइन स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी बचा जो वन हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर भी वन हो जाएगा, तो फाइनली आंसर ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो ये प्रॉब्लम हमसे बन सकता है। क्या समझ में आ रहा है सबको? बिल्कुल आ रहा है? जिनको आ गया चैट बॉक्स में हाँ लिखें, नहीं आया तो नो लिखें, नहीं आया तो बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, नो लिखिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। नो अंसारी लिखता है नो। चलिए अंसारी, हम आपको फिर से समझाते हैं, ये क्वेश्चन है, यहाँ का पूरा क्वेश्चन है आपका, ये ब्लैक बोर्ड का पहला लाइन वाला हिस्सा क्वेश्चन है, बुक में दिया है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसका वर्ग करूंगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसका वर्ग करूंगा तो क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए सी आया, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, इसका स्क्वायर जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, एडिंग जोड़ने पर समीकरण एक दो तीन को जोड़ने पर तो बायां पक्ष क्या होगा, लेफ्ट हैंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हुआ, आर स्क्वायर सब में है ये कॉमन ले लिया तो क्या बचा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी कॉस स्क्वायर ए। अब इन दोनों में साइन स्क्वायर ए उभयनिष्ठ ले लिया कॉमन, तो ये कॉस स्क्वायर सी साइन स्क्वायर सी बचा और ये कॉस स्क्वायर, इसकी वैल्यू वन होती है, फिर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, फिर ये रिजल्ट आ गया। कोशिश करिए वीडियो को आराम से देखना, पेन कॉपी लेके बैठना, बनाना, सारे क्वेश्चंस बनेंगे मुझे ऐसा लगता है। चलिए अब समझ में आया कि नहीं आया लिखिए, जिनको जिनको समझ में आ गया बताइए यस आर नो। नेहा आपको समझ में आ रहा है? नेहा समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? यस सर। वेरी गुड। जीत जीत आपको समझ में आ रहा है? अंसारी यस सर। आपको समझ में आया? क्या नहीं सर। नहीं आया बताओ मुझे, बोलो अंसारी, बोलो क्या समझ में नहीं आया? तो जोड़ने के बाद जोड़ने के बाद ये जोड़ लिए, यहां तक समझ में आया? चलिए मैं इसको फिर से आपको बता रहा हूं, ये मैं पूरा मिटा दिया, मैं फिर से समझा रहा हूं, देखिए अच्छे से देखिए, ब्लैक बोर्ड देखिए, इसको जोड़ेंगे, इसका सबसे पहले स्क्वायर किया एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, इसको स्क्वायर किया वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, इसको स्क्वायर किया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इक्वेशन 1 2 3 एडिंग जोड़ रहा हूं तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा बताओ, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर,
स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ देखो कॉमन क्या है, साइन स्क्वायर ए कॉमन है, तो मैं साइन स्क्वायर ए को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, और ये अलग से बाहर में रहेगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों का एंगल एक जैसा है तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, ये साइन स्क्वायर ए और ये वन हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर ए, फिर से क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर है, फिर से वन हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ये प्रूफ आ गया आपका ये वाला। कोशिश करिए समझ में आएगा, धन्यवाद आपने कोशिश बताया, समझ में नहीं आ रहा है अंसारी अब बोलो थोड़ा बहुत पहले से, अंसारी अंसारी समझ में आ रहा है, अंसारी अंसारी आपको समझ में आ रहा है, चलिए बाद में बात करेंगे आपसे। गोविंद गोविंद yes. समझ में आ रहा है। दिनेश्वरी yes, sir. ठीक। नितिन नितिन अलका अलका यस सर समझ में आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है आपको यस सर गुड। भट्टाचार्य प्रणव यस सर किनको नहीं आ रहा है समझ में, चैट बॉक्स में लिखिए जिनको समझ में नहीं आया, नहीं तो आगे बढ़ेंगे प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आएगा, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला का खेल है, आप सब धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, मैं ऐसा ऐसा मानता हूं, सभी बच्चों को समझ में आएगा इसकी गारंटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सर प्लीज एक बार बताइए। हाँ बोलिए बोलिए फिर से बोलो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को बताऊं। चलिए एक बार फिर से बताते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी ये लिखा है, वाई इक्वल टू क्या लिखा है आर साइन ए इंटू साइन सी, और जेड इक्वल टू क्या लिखा है आर कॉस ए। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये प्रूव करना है, इसको स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग स्क्वेयरिंग यानी वर्ग, चलो वर्ग करो क्या होगा एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर सब इनटू में है, इसका स्क्वायर करो स्क्वायर वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर सी, इसका स्क्वायर करो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ये समझ में आ गया, ये इक्वेशन वन है इक्वेशन टू है इक्वेशन थ्री, इक्वेशन वन प्लस टू प्लस थ्री तीनों को ऐड कर रहे थे, एक्स स्क्वायर इसका लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर दिए, इसका लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड में ऐड कर दिए, आर स्क्वायर सब में कॉमन ले लिए, तो क्या बचा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, ये पहला वाला प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर ए, फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर।
अब यहाँ पे कॉमन देखो, ये साइन स्क्वायर एक कॉमन है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, इसकी बात नहीं कर रहे। तो साइन स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, ये दोनों में एंगल एक जैसे है इसलिए इसका मान वन हो जाएगा। फार्मूला से, त्रिकोणमिति के फार्मूला से, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू वन हो गई, और ये प्लस कॉस स्क्वायर है। अब फिर से ये दोनों एंगल वन एक जैसा है, ए है ये भी ए है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये वन हो जाएगा, तो क्या आएगा भाई बताइए आप, आर स्क्वायर, और इसको वन लिख देंगे तो आर स्क्वायर इंटू वन, तो ये आपका फार्मूला आ गया। समझ में आएगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं फिर से आपको भेजूंगा आप सबको, तो आराम से आप बैठना, क्या क्या लिख रहा हूं क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, समझ में आएगा। अब बताइए किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरा पढ़ाने का उद्देश्य केवल टाइम पास करना नहीं है, आपको सबको समझ में आ जाए ऐसा पढ़ाना है। तो समझ में आया, चैट बॉक्स में लिखें, अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो ट्राई करेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े, वेरी गुड, सबको समझ में आ गया ना। अरे भाई समझ में आएगा, आप सब अच्छे विद्यार्थी हैं, समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा कभी कभी, मिटा दें, गुड। चलिए अब थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, फिर से सारे सूत्रों को रिकॉल करते हैं, पढ़ते पढ़ते हमें सूत्रों को रिकॉल करना है। ये थीटा, एबीसी ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, ट्रिग्नोमेट्री आप सब जानते हैं, ये नाम लिख रहा हूं मैं। चलिए चैट बॉक्स में मैं पूछूंगा, तैयार रहिए, रेशियो बताना है आपको। चलिए रेडी, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं। अलका साइन थीटा बताइए क्या अपान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, पी अपान एच, लंब बटे कर्ण, बिल्कुल। चलिए शाबाश आपको, धन्यवाद। दिनेश्वरी कॉस थीटा बताइए, साइड में रिलेशन, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी बी अपान एच, यहाँ हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, जिसको आप परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस बोलते हैं, और ये बी अपान एच, आधार अपान कर्ण, आधार अपान कर्ण, गुड, वेरी गुड। गोविंद टेन थीटा बताइए, गोविंद टेन थीटा लंब बटे आधार, पी अपान बी, वेरी गुड, लंब बटे आधार। हिंदी मीडियम में है या इसलिए मुझे हिंदी मीडियम बताना है, इंग्लिश मीडियम वालों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस। इसी तरीके से कोसेक, चलिए बात करते हैं कोसेक के लिए दूसरे से। जीत कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, एच अपान पी, ठीक है, कर्ण बटे लंब, शायद हमने सही जवाब दिया है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंसारी सेक थीटा, कास का उल्टा होता है, कास लिखा हुआ है, इसका उल्टा बोलना है। अंसारी कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, वेरी गुड, कर्ण बटे आधार, इसको हम लिख सकते हैं ए चपान बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेहा नेहा कॉट थीटा बताना है, टेन का रेसिप्रोकल, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, अगर हिंदी में बात करें बच्चों के लिए तो आधार बटे लंब, आपके अनुसार बात करें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक
ये फॉर्मूला हम सबको आता है। उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, ये सब के आंसर हम सब जानते हैं। अब मैं पूछने जा रहा हूं, प्रणव, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, जी टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा सर, और कोसेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा, गुड। इसका मतलब हम सबको आ रहा है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं, आप सब मालूम है। अब मैं स्क्रीन में लिखने के लिए बोलूंगा, चलिए स्क्रीन में इसका जवाब दो। टेन थीटा का साझा फार्मूला होता है, पहला होता है 1/cot थीटा, दूसरा होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और तीसरा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, लंब बटे आधार। ये तीनों फार्मूला होता है। क्या यहाँ तक हम सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। आज आप लोग की कोई क्लास नहीं है, संडे है, इससे आराम से मैथ्स पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं और फार्मूला लेते हैं। नौ फार्मूला, ट्रिग्नोमेट्री का नौ फार्मूला, जल्दी जल्दी चलिए चैट बॉक्स में लिखिए नौ फार्मूला। कौन सा नौ? अभी बता रहा हूं मैं, ये फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, यहां से दो फार्मूला क्या बनता है? चलिए जल्दी लिखिए चैट बॉक्स में, देखते हैं सबसे पहले कौन लिखता है। गुड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन। अब इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर, और क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर इक्वल टू वन माइनस। चलिए पूछते हैं किसी से, अलका अगला फॉर्मूला बोलिए। अगला फॉर्मूला बोलिए, 1 + tan² θ is equal to sec²θ. Very good. इसका दूसरा फॉर्म बताइए। sec₁ = sec²θ - tan²θ. शाबाश, इतनी स्पीड में, ठीक है, ठीक है, यस सर। चलिए जीत, और बहुत सारे बच्चे मुझे दिख नहीं रहे, यहाँ शालिनी पे आते हैं, पूर्वंशी और शालिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्वंशी। यस सर, बोलिए। 1 + cot²θ = cos²θ. वेरी गुड, इसका दो। चलिए आप बताइए, आपके साथ ही शालिनी। बोलिए। 1 cot²θ - cot²θ. वेरी गुड, अगला बोलो। थीटा इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। शाबाश, तो ये नौ सूत्र आपके अच्छे फ्रेंड हैं, और एक टेन बराबर दिमाग में बिठा लो आप सब, क्या होता है? साइन अपान कॉस, और कॉट का दिमाग में बिठा लो कॉस अपान साइन, और ये भी जानो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होगा। जल्दी जवाब दो सब लोग, देखते हैं फास्ट जवाब कौन देता है। वेरी गुड, वन। किसने सबसे पहले? बहुत से लोग दे दिए जवाब, चलो सबको बधाई, कॉस इंटू सेक, कॉस इंटू सेक सब जानते हो ना, वन इंटू कॉट, वन इंटू कॉट। तो मैं त्रिकोणमिति में आप, मैं त्रिकोणमिति में आंसर देने की कोशिश कर रहा हूं, ऑफ है।
आगे और पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं लेते। गणेश जी की आज अच्छे से सब लोग पूजा कर लो, क्योंकि एक दो दिन में गणेश जी बाय बाय करने वाले हैं। 10th बोर्ड एग्जाम है, उनको बोलो गणेश जी को कि आपका विशेष ध्यान रखें और आप भी उनका विशेष ध्यान रखें पढ़ाई के रूप में। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद क्लास अटेंड किए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके कोई भी डाउट हो मैथ्स में मुझे व्हाट्सअप कर पूछ सकते हैं, आप सबको अधिकार है, राइट्स है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को विराम देते हैं और आज का दिन आप सबका अच्छा हो ऐसा उम्मीद करते हैं। सभी को धन्यवाद।